कि तुम्हारी वर्दी है वो तो हमने खरीद के दी, इसको हमने अपने टैक्स के पैसों से खरीद के दी, और एक हमारी वर्दी है, ये वर्दी वो वर्दी है कि जिसने हमेशा आइन का तहफुज किया, और तुम्हारी वर्दी वो है कि जिसने हमेशा आइन को पामाल किया। तुम ये भूल गए थे, तुम समझते थे कि बाहर में मुनाफिकों की या गद्दारों का राज है, तुम्हें नहीं पता था कि यहाँ पे हामिद खान का राज है। जिंदाबाद। तुम भूल गए थे कि पाकिस्तान के वकला पर जब भी बुरा वक्त आया, क्राइसिस में जिस ग्रुप ने लीड किया वो प्रोफेशनल ग्रुप हामिद खान साहब का ग्रुप है, कि जो सुप्रीम कोर्ट बार की क्यादत कर रहा है, जो लाहौर हाई कोर्ट में है, जो लाहौर बार में है। मैं मुजम्मत करती हूँ इस पाकिस्तान बार काउंसिल के गद्दारों की, कि जिन्होंने, मैं मुजम्मत करती हूँ एक धक्का और दो, एक धक्का और दो, एक धक्का और दो। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने कोशिश की कि आईन और कानून की बाली, फंडामेंटल राइट्स और इस मुजरमाना खामोशी को तोड़ने के लिए पूरे पाकिस्तान की बार से इकट्ठी हो। उन्होंने पाकिस्तान बार को इकट्ठा किया, पाकिस्तान बार काउंसिल को बुलाया, लेकिन इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का साथ देते हुए उधर उनके साथ शिरकत नहीं की। मैं, मुझे अफसोस भी है और मुजम्मत भी करती हूँ। मैं केपी के बार काउंसिल की मुजम्मत करती हूँ कि जिन्होंने मंगोरा बार को नोटिस भेजा, जिन्होंने मंगोरा बार को नोटिस भेजा कि वो हड़ताल क्यों कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि अभी कल की बात थी, देखिए जिधर आप खड़े हैं, ये ऐवान दुनिया की तारीख में इस ऐवान का नाम लिखा जाएगा आपके क्यानी हॉल का। ये पाकिस्तान का हाइड पार्क है, ये पाकिस्तान का हॉल ऑफ लिबर्टी है, कि जिसके अंदर हर सियासी जमात उसके अकाबरीन आते रहे, सियासतदान इधर आते रहे, ये उनकी पनागाह है। ये अवाम का GHQ है। अब करो आगे बात हमारे साथ। अब चूंकि हमने बाहर निकलना, तो आखिरी मुख्तसर बात मैं करूंगी कि ये जो ली जो आपकी मूवमेंट है, इसको खवातीन वकला लीड करेंगी, इसको पूरे पाकिस्तान से, जैसे राबिया कारी ने अयूब आमरियत को ललकारा, जो पाकिस्तान की पहली नायब सदर हाईकोर्ट बार की और पहली सदर थी, मैं उनको फॉलो करते हुए पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदा खवातीन वकला को और अपनी इन बहनों को, ये शाजिया खान जो जेल रहकर आई, मेरी दीगर बहनें जो लड़ती रही, हम लीड करेंगे। और आप कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और आप कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। और आप, मैं आपको बता दूं कि मेरे भाई हमेशा इस आमरियत को ललकारते रहे अपनी बहनों के साथ, और अब तुम लोगों का मुकाबला वकला खवातीन के साथ है। अब तुम्हारा मुकाबला पाकिस्तान की वकला खवातीन के साथ है। हिम्मत है तो आओ मैदान में। मैं देखती हूँ कि कितनी सख्त है तुम में। तुम लोगों ने अपनी पॉलिसियों से बांग्लादेश बनाया, हम इसको कंगला देश नहीं बनने देंगे, हम पाकिस्तान को कंगला देश नहीं बनने देंगे। और मैंने अपने पाकिस्तान के अवाम से गुजारिश करूंगी कि ये मुल्क आपका मुल्क है, आपने इन जर्नैलों और सियासी अशरफिया के शिकंजे से इसको निकालना है। पूरा अमन जदोजहद आइन में दर्ज है कि आपका बुनियादी हक है। यूनाइटेड नेशंस का चार्टर, जिसका पाकिस्तान सिग्नेटरी है, उसके अंदर आपका हक दर्ज है। अब आप इस ख्वाब को खत्म कर दें। हमने वादा पूरा किया, हम सड़कों पे जा रहे हैं, और मैं ये गुजारिश करूंगी अपने हाउस से कि हर जुमेरात को निकले, ये हम हर जुमेरात को निकले, हम उर्स में जाने निकले हैं, हमारे साथ चलो, आखिर में जाने निकले, और हम पाकिस्तान की कौम के चेहरों पे ये मायूसियां खत्म करेंगे, हम सब निकलेंगे। और आखिर में
जो